हेलो, गुड डे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था द इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स एंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बॉक्स इज इनफाइनाइट। सो इलेक्ट्रॉन और ये मैटर वेव से संबंधित हम विचार कर रहे हैं। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन करें विच इज ए चार्ज्ड वन आर ए पार्टिकल विच इज अनचार्ज्ड वन, दोनों के लिए एक ही निष्कर्ष निकलेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन आर कन्फाइंड टू एन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, और कुछ बातें उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स इज जीरो। वैसे वो कांस्टेंट होता है और हर जगह कांस्टेंट का रोल, डिफरेंशिएट करोगे कुछ करोगे या इस तरह की बातें आएंगी तो कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट घट जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रोल वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इसलिए फॉर कन्वीनियंस, सरलता के लिए हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन द पोटेंशियल बॉक्स विद द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स इज जीरो। ये हम लोगों ने मान के एक इक्वेशन जो डेवलप किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, एज्यूमिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आता है वो है नेबुला स्क्वायर साई, ये ऑलरेडी हम लास्ट टर्म को कर चुके हैं, प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इट इज इक्वल टू जीरो। हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल ठीक ढंग से समझ में आ जाए। ये क्वांटिटी 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है, इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द पोटेंशियल बॉक्स। इसको एक हम दूसरे कांस्टेंट क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं, नेबुला स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू जीरो, वेयर के स्क्वायर इज रिटेन इन प्लेस ऑफ ट्वाइस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई। सो इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स। दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए साई के नेचर में, करेक्टरिस्टिक फीचर में हमने देखा था कि साई का नेचर जो होता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। साइन को भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ ई रेज टू द पावर आई एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आई एक्स या कॉस एक्स को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक को प्लस साइन से एक को माइनस साइन से। तो इसलिए साइन पीरियाडिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स भी है, कास भी पीरियाडिक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लिखा था साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कास के एक्स, बी कास के एक्स के ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनर्जी। ए और बी अब यहाँ इस सोल्यूशन में जो एज्यूम्ड सोल्यूशन है, प्रपोज सोल्यूशन है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू कैसे पता करोगे, तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं। तो पहला अबाउट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है यू, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या लगाया है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाउंड्री कंडीशन है यू, द वैल्यू फॉर यू पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स इज जीरो, और इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स इज जीरो मीन्स जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल इज द टोटल विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, वी कंसिडर ओनली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फॉर सिंप्लिसिटी। और पोटेंशियल बॉक्स के अंदर लेफ्ट वॉल से लेकर के राइट वॉल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो, एंड द वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इनफाइनाइट वेरी लार्ज इन द रेंज
when x is greater than, x is greater than है, तो x is less than or equal to zero, and x is greater than or equal to y. पोटेंशियल वेल मैं खींच देता हूं, यहां पर इस तरह का एक पोटेंशियल वेल था, यल इसकी लंबाई थी, तो ये x इज इक्वल टू जीरो था, ये x इज इक्वल टू यल था, इधर x को आप प्लॉट करेंगे तो इधर साइड लेफ्ट वॉल के बाईं तरफ ये भी इनफाइनाइट होगा, राइट वॉल के दाईं तरफ ये इनफाइनाइट होगा। इस ढंग की कंडीशन अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, वेव फंक्शन के बारे में कंडीशन हमने कंसीडर किया है। सेकंड अबाउट, पहला अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, अबाउट वेव फंक्शन साई, द वैल्यू फॉर साई इज इक्वल टू जीरो, नो इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग, साई इज इक्वल टू जीरो मतलब वेव फंक्शन जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन तो है पोटेंशियल बॉक्स में, आप बात ही कर रहे हो, तो एट द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल पे वो जाएगा, टकराएगा, तुरंत ही लौट जाएगा इन नो टाइम विदाउट द लॉस ऑफ द एनर्जी, एंड देयर बाय द इलेक्ट्रॉन विल नॉट लाई ऑन द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल पे नहीं रहेगा, तो साई इज इक्वल टू जीरो एट लेफ्ट वॉल, एक्स इज इक्वल टू एल। और एक दूसरी कंडीशन है, ए बी लिख सकते हो, इसको भी कर दो, ये दिस इज ए, दिस इज बी, राइट वॉल पे भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जाएगा टकराएगा लौट आएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ द एनर्जी, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन टेम्पोरली भी नहीं रुकेगा, रुकेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो इसलिए ये पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है, साइज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एट द राइट वॉल, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू, ये लेफ्ट वॉल है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट वॉल है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल का मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द राइट वॉल बाउंड्री जहाँ इनफाइनाइट हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एल होगा और वहाँ पर भी साई की वैल्यू जीरो। इन बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हम ए और बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट सॉल्यूशन में प्रपोज हैं उनकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। सो पुटिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, पुटिंग द कंडीशन सेकंड ए, दूसरे का ए इन द सॉल्यूशन, तो सोल्यूशन कौन सा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, रख दीजिए साई की वैल्यू जीरो है, ए इट इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो पहला कंडीशन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के एक्स इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, सो ए इंटू जीरो मेक्स इट जीरो, प्लस बी x इज इक्वल टू जीरो, के एक्स इज जीरो, कास जीरो इज वन, तो यहाँ वैल्यू है एक, ये ऑलरेडी a इंटू जीरो हुआ, जीरो हो गया, b इंटू वन इज b इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट b इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट b जो है उसकी वैल्यू शून्य हो, और चूंकि b की वैल्यू जीरो हो गई, एंड हेंस The solution becomes big value zero हो गई, तो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, big value zero हो गई, तो second term is off, second term की value समाप्त हो गई। अब इसमें a की value अब भी नहीं ज्ञात है, तो a की value ज्ञात करने के लिए अब सेकेंड बी कंडीशन को रखा जाए, राइट वॉल वाली, पुटिंग द कंडीशन
सेकंड बी, सेकंड का बी इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। और ये यदि सब सूट करें तो देखिए साई इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू एल, सेकेंड बी तो एक्स की वैल्यू ये तो साइन के, साइन के। दूसरी कंडीशन सेकेंड बी को रखने के बाद हमको मिलता है जीरो इज इक्वल टू ए साइन के एल। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो राइट हैंड साइड को भी जीरो होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड के जीरो होने की संभावना क्या है, या तो ये जीरो होगा तब भी जीरो हो जाएगा, या साइन के एल जीरो होगा तब भी जीरो हो जाएगा। अब देखा जाए इन दोनों में से कौन जीरो हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है। तो पहले देखिए इफ ए इज इक्वल टू जीरो, चलिए मैं फिर निकाल लेता हूँ, इफ ए इज जीरो तो क्या हो जाएगा, बी ऑलरेडी जीरो हो चुका है, ए भी यदि जीरो हो जाए तो साई की वैल्यू जीरो होगा हो जाएगी इन जनरल, और साई की वैल्यू जीरो इन जनरल होने का अर्थ हो गया है कि इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल विल नॉट बी देयर इनसाइड द बॉक्स। सो इफ ए इज जीरो नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द बॉक्स। इन्फाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल जो है उसको बॉक्स भी कहते हैं, पोटेंशियल बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द बॉक्स, सो रिजल्ट क्या हो गया, हेंस ए कांट बी जीरो, हेंस ए कैनॉट बी जीरो, कांट बी जीरो। तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो दूसरा द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि दूसरा टर्म जीरो हो, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट साइन के एल इज जीरो, साइन के एल इट इज इक्वल टू जीरो। और साइन के एल जीरो होने का अर्थ ये हो गया कि के एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, पाई हो सकता है, साइन पाई इज जीरो, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ, बोथ द प्लस वैल्यू एंड द माइनस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो द पॉसिबिलिटीज आर दैट के एल द आर्गुमेंट इट इज इक्वल टू एन पाई, के एल इज इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन की वैल्यू, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, या यहीं पर प्लस माइनस लगा सकते हो, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन सो। या तो ऐसे लिखो जो जैसे मैंने लिखा है, या यहीं लिख लीजिए के एल इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो तो प्लस माइनस आपने यहाँ ले लिया तो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सो। ये ऑल इंटीग्रल वैल्यूज फॉर एन इंक्लूडिंग जीरो, ये वैल्यू होगी। अब ये देखना है कि इनमें से भी कौन सी वैल्यू संभव है, क्या सारी वैल्यूज संभव है मैथमेटिकली, तो के एल की वैल्यू ये इतनी हो सकती है। देखो हम दूसरा भी ऑप्शन लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आर के एल इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ये जरा सिंपलर लगता है, प्लस माइनस बार बार लिखना है, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। अभी देखना है कि एन पाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और एन की वैल्यू जीरो एक दो तीन चार सारी वैल्यूज संभव है या नहीं। तो हम सबसे पहले निगेटिव वैल्यू की बात करें, व्हेन एन इज निगेटिव,
पेन एन इज निगेटिव निगेटिव या इज लिख लो एन इज निगेटिव एन इज निगेटिव तो राइट हैंड साइड निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को भी निगेटिव होना चाहिए देन के एल इज निगेटिव ऑब्वियस है यदि एन की वैल्यू निगेटिव हो जाए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो एंड सो ऑन सो हो जाए तो के एल की वैल्यू भी निगेटिव होगी। अब के एल की वैल्यू निगेटिव होने की क्या संभावना है ए के इज आइदर के इज निगेटिव के इज निगेटिव के है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नेवर निगेटिव तो के कभी निगेटिव नहीं हो सकता है स्पष्ट है ना। K की वैल्यू अभी मैंने मिटा दिया ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e इट इज इक्वल टू k स्क्वायर तो k इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द पोटेंशियल बॉक्स तो इसलिए k कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आइदर k इज निगेटिव और l इज निगेटिव दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाए तो राइट हैंड साइड के एल इज निगेटिव हो जाएगा चाहे के निगेटिव हो चाहे एल निगेटिव हो। अभी आपने देखा के निगेटिव नहीं हो सकता है और एल एल इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेल तो एल भी निगेटिव नहीं हो सकता। एल है छोटा हो सकता है एक मिलीमीटर दो मिलीमीटर दस मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम के क्रम का होता है लेकिन ये होगा पॉजिटिव ही होगा तो न तो के निगेटिव हो सकता है न तो यल निगेटिव हो सकता है। आइदर के इज निगेटिव आर यल इज निगेटिव सजेस्टिंग यन इज निगेटिव इज ए निगेटिव वैल्यू यल इज ए निगेटिव वैल्यू इज नॉट allowed। तो हम आ गए इस निष्कर्ष पर कि L की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो सारी L की नेगेटिव वैल्यू आप छोड़ दीजिए तो इसलिए अब क्या हो जाएगा KL की वैल्यू हेंस KL इज इक्वल टू n पाई वही जो लास्ट सोल्यूशन लिखे वही केवल वेयर में नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है तो वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ ऑल द इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो ये हो सकता है नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है ये हम छोड़ चुके। दूसरा कंडीशन इसी में ले लीजिए व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू जीरो तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा दैट लीड्स टू के एल इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो के एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो होना चाहिए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है आइदर के इज जीरो आर एल इज जीरो आइदर के इज इक्वल टू जीरो आर एल इज इक्वल टू जीरो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो आइदर के इज इक्वल टू जीरो आर एल इज इक्वल टू जीरो। अब संभावना क्या बनती है के इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी कम से कम हो सकती है बहुत कम हो सकती है लेकिन आएगी तो के कांट बी इक्वल टू जीरो और आपने देखा भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है बाएं दीवार से टकराएगा टकरा करके फिर वापस दाहिने दीवार पर आएगा फिर बाएं दीवार पर फिर दाहिने दीवार पर तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो के कांट भी इक्वल टू जीरो
और लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल चौड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, एल की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती। सो आइदर के इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू जीरो या फिर बोथ आर नॉट पॉसिबल, बोथ आर नॉट पॉसिबल, हेंस एन इज इक्वल टू जीरो इज नॉट फिजिबल, इज नॉट फिजिबल। तो मैथमेटिकली देखा आपने कि यल की वैल्यू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सब हो सकता है, लेकिन आपने डिस्कार्ड कर दिया यन की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती और यन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए अब सोल्यूशन तो वही रहेगा के एल इज इक्वल टू एन फाई, प्लस माइनस में से केवल प्लस रह गया तो प्लस नहीं लिखेंगे, तो के एल इज इक्वल टू एन फाई। Hence, इन कंडीशंस को रखने के बाद के एल इज इक्वल टू एन फाई, और जहां एन की वैल्यू वेयर एन इज नॉट जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने डिटेल आपको बता दिया, आपको लगेगा भाई के एल की वैल्यू एन फाई में तो एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर सकती है, साइन जीरो इज जीरो वहीं से स्टार्ट कर, लेकिन नहीं जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है, इसलिए अब यह प्रॉपर सोल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का, साई इज इक्वल टू मिट गया है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एल का। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को जब रखा तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वैल्यू इसकी आनी चाहिए। सो द सोल्यूशन इज के एल इज इक्वल टू एन पाई, या फिर यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। मैं फिर रिमाइंड आपको कर दूं, के इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल बॉक्स, द पार्टिकल इन द पोटेंशियल बॉक्स, और के की वैल्यू एन पाई बाई एल के बराबर होगी। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसलिए हेंस द सोल्यूशन विल बिकम साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, मिट गया है लेकिन आपने नोट कर लिया है तो आपके कॉपी में लिखा हुआ है साइन के एक्स, के किया पर एन पाई रख लो तो एन पाई एक्स बाई एल। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन associated with the particle in an infinitely deep potential well, ये होगा और ये wave function n पे depend करेगा और n की value आपने देखा एक से start होगा वन टू थ्री, तो इसलिए psi की different value होगी, n is equal to वन के लिए एक value आएगी, n is equal to टू के लिए दूसरे प्रकृति इसकी होगी, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए ये तीसरी तरह का होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं साई विल बी एन डिपेंडेंट पैरामीटर, साई एन इज इक्वल टू ए साई एन पाई एक्स बाई एन पाई एक्स बाई एन। कुछ नहीं किया, ऊपर वाला ही इक्वेशन है, हम इस तरह से लिख लेते हैं तो एन इज इक्वल टू वन के लिए साई वन आएगा, n is equal to 2 के लिए psi 2, another wave function corresponding to n is equal to 2, n is equal to 3 रखें तो wave function आपका हो जाएगा psi 3 and so on so forth। n की value जैसे जैसे बदलती जाएगी, different wave functions which are possible, which are permissible, which are allowed, वो बनते हुए चले जाएंगे।
अभी भी ये इक्वेशन जो हम लोगों ने डेवलप किया है इसमें ए अभी अननोन है, और ए की वैल्यू जब हम ज्ञात कर देंगे कि ये है क्या, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू यदि हम निकाल लेंगे तब हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में साई एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंटेबल है, क्या वेव फंक्शन की वैल्यू। तो हमारा यह प्रयास होगा कि अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो ये आया है उसकी वैल्यू हम निकालने का प्रयास करें, तब हम ताकि वेव फंक्शन को प्रॉपरली हम पहचान सकें, जान सकें। लेकिन उसके निकालने के पहले साई की प्रकृति क्या होगी ये हम जान सकते हैं। इन आर्बिट्रेरी यूनिट ए के टर्म में हम निकाल सकते हैं, और ये अननोन है, कोई वैल्यू होगी इसकी, ए की वैल्यू 3, 4, 10, 2.5 कोई वैल्यू आएगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, 0.01 कोई वैल्यू हो सकती है, इट इज ए कांस्टेंट। लेकिन ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात नहीं, लेकिन फिर भी ए की वैल्यू प्रॉपरली ज्ञात नहीं है, लेकिन ए के टर्म में हम साई की प्रकृति क्या होगी इसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू हैव ए प्लॉट, ए ग्राफिकल प्लॉट फॉर द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन। साई एज ए फंक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू, अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू, ये है आपका पोटेंशियल वैल्यू। पहले आप इससे परिचित हो चुके हो, ये रिजिड वॉल है, हमने इधर निशान बनाया था, सिंप्लिसिटी के लिए वो निशान इधर नहीं बनाएंगे। ये लेफ्ट वॉल है, ये राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल का लोकेशन है x इज इक्वल टू 0, राइट वॉल का लोकेशन है x इज इक्वल टू L। द टोटल विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू इज L, और इधर हम x को प्लॉट करते हैं राइट फ्रॉम लेफ्ट वॉल टू राइट वॉल। और किसको हम प्लॉट कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग साई n, यही जो अभी आपने डेवलप किया साई n, द वेव फंक्शन along द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू। लेफ्ट वॉल पर इसकी प्रकृति क्या होगी, राइट वॉल पर इसकी प्रकृति क्या होगी, ये हम जानने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें रखिए, लेफ्ट वॉल का मतलब है x इज इक्वल टू 0, स्पष्ट है x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0 सो राइट हैंड साइड इज 0, साई एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 1 के लिए या इन जनरल किसी भी एन की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट वॉल पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जो पहले से हम कंडीशन हम मान चुके हैं साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे चले जाइए राइट वॉल पे, तो एक्स इज इक्वल टू एल, एल एल कैंसिल, इट इज साइन एन पाई एंड साइन एन पाई इज अगेन 0, तो राइट वॉल पे भी, राइट वॉल पे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट वॉल पे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बीच में फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एल बाई 4, एल बाई 2, अन्य वैल्यूज के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लूँ, जस्ट इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियल एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2, एल बाई 2 में एल एल कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये एन पाई बाई 2 हो जाएगा, और एन पाई बाई 2 ए मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90। एन की वैल्यू यदि 1 रख लें तो ये हो जाएगा साइन 90, एंड साइन 90 इज 1, सो इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडिल फॉर एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम विचार करें तो लेफ्ट वॉल पे n इज इक्वल टू 1 के लिए साई 1 की वैल्यू होगी 0, राइट वॉल पे n इज इक्वल टू 1 साई 1 की वैल्यू होगी 0, और बिल्कुल बीचों बीच में x इज इक्वल टू l बाई 2 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ये 90 हो जाएगा,
साइन 90 इज 1, इट विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, मैं इट विल हैव ए वैल्यू ऑफ ए, ए आर्बिट्रेरी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू है, और इसलिए आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो n इज इक्वल टू 1 के लिए, मिनिमम वैल्यू n के लिए पॉसिबल है 1, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो उसके लिए वे फंक्शन जो है साई 1। मैं थोड़ा सा यहीं से आपको रिलेट कर दूं हुआ क्या, और इसके डिटेल को फिर मैं बताऊंगा कि साई 1 इज द वे फंक्शन एसोसिएटेड विद द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, पहले बोर ऑर्बिट के लिए पहला वे फंक्शन जो अलाउड है वह साई 1 होगा। इसके नीचे कोई वे फंक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो पहले बोर ऑर्बिट पे आएगा। n इज इक्वल टू 2 करोगे तो वे फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड बोर ऑर्बिट एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इसकी प्रकृति क्या आएगी, साई 1 इज 0 एट लेफ्ट वॉल, साई 1 इज 0 एट द राइट वॉल एंड इट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडिल, तो इस ढंग का इसका स्ट्रक्चर आएगा। n इज इक्वल टू 1 माने पहली बोर ऑर्बिट, पहली बोर ऑर्बिट के लिए वेव फंक्शन जो एसोसिएटेड होगा n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग उसका नेचर ये होगा, और इस तरह से इन जो वेव फंक्शन की प्रकृति हमको प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन, आइगन वेव फंक्शन, लेकिन वेव फंक्शन में आइगन फंक्शन इसको कहा जाता है, इसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं, और n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी प्रकृति ऐसी होगी, इस तरह की दिखेगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए कैसे दिखेगा, 3 के लिए कैसा दिखेगा, इसके बारे में डिटेल या उससे और क्या आउटकम हम प्राप्त कर सकते हैं इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।